मध्य प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई पीएम श्री वायु सेवा योजना पर कांग्रेस ने सवालिया निशान खड़े किए हैं। कांग्रेस ने योजना को पूरी तरह से फेल बताया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम श्री वायु सेवा योजना को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के डिप्टी सीएम पीएम श्री वायु सेवा योजना में 2 महीने की फुल बुकिंग बता रहे हैं, जबकि हकीकत में कोई बुकिंग है ही नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हकीकत में ये है कि कई दिनों से टिकट की बुकिंग हो ही नहीं रही है, जबकि सिंगरौली और उज्जैन की फ्लाइट को बंद भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कल से 1 हफ्ते तक किसी भी रूट पे कोई टिकट बुक नहीं हुई है। पीएम श्री वायु सेवा जो शुरू की थी बहुत धूमधाम से, वो भी एक इवेंट बाजी और कुछ नहीं है। उसका भी यही हाल हुआ जो दूसरी योजनाओं का हुआ, कि बहुत कुछ दावे किए गए थे। उप मुख्यमंत्री महोदय अपने प्रेस वार्ता में ये कह रहे थे कि 2-2 महीने की एडवांस बुकिंग चल रही है। मुख्यमंत्री महोदय रोज दावे कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी सच्चाई ये है कि जो वो दावा था वो झूठा निकला। 1 हफ्ते की भी एडवांस बुकिंग नहीं है। सिंगरौली की फ्लाइट बंद करनी पड़ी है, जिसके बारे में उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि 2 महीने की एडवांस बुकिंग है। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला मुझे दिखता है साफ तौर के ऊपर, क्योंकि 7 जगह से शुरू की गई थी, अब 5 जगह बची है। जो उज्जैन चल रही थी, एकमात्र जो लाइन चलने वाली थी इस पर बुकिंग्स थी, उसको बंद कर दिया गया। सिंगरौली बंद कर दी गई, अब बची है रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जहां की पूरी आगे की कल से लेके सब फ्लाइट्स खाली हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।